नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कार्तिकेय शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, ग्वालियर के आसपास देखने लायक जो भी जगह हैं, हम उनके वीडियोस की एक सीरीज यहां पर आपके फायदे के लिए बना रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको ले चलते हैं रतनगढ़ की माता के दर्शन के लिए। दोस्तों, ग्वालियर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर आज आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा केंद्र है। रेलवे स्टेशन से गोला का मंदिर, वहाँ से 7 नंबर चौराहा और 7 नंबर चौराहे से छावनी क्षेत्र पार करते हुए मोहनपुर हस्तिनापुर होते हुए हम गुजरते हैं उस जगह से जिसका नाम है बेहट। हो सकता है आपने बेहट का नाम सुना हो, संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट। उसके लिए एक अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। वहाँ से करीब 20 किलोमीटर आगे चलने पर जैसे ही हम दाईं ओर मुड़ते हैं, प्रकृति की सुंदरता का जादू हम पर इस कदर छा जाता है कि अगले 17-18 किलोमीटर का सफ़र कब पूरा हो गया हमें पता ही नहीं चलता। जब हमें होश आता है तो हमारे सामने होता है श्रद्धा और आस्था का ये केंद्र, रतनगढ़ माता का मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर जो सुर्खियों में है, उसका वर्तमान जो कारण है, वो कारण है ये विशालकाय घंटा। ये विशालकाय घंटा, दोस्तों, ये घंटा एक्चुअली इस मंदिर पर प्रथा है कि जिसकी भी कोई मान्यता पूरी होती है तो यहाँ पर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो एक पीतल का घंटा जरूर चढ़ाता है। वो घंटा आधा किलो से लेकर 5 क्विंटल तक का भी हो सकता है। तो ये घंटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मंदिर प्रशासन को उन्हें टांगना और मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा था। तो ये सोचा गया कि सभी घंटों को एक साथ पिघला के एक बड़ा घंटा बनाया जाए। तो ये घंटा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये घंटा दोस्तों दोस्तों, भजनों की इस सुमधुर रस में डूबे डूबे अचानक हमारा सामना होता है इन दो विशालकाय शेरों से। एक बार तो देख के हम चौंक ही जाते हैं, विश्वास दिलाना कठिन हो जाता है कि ये शेर असली नहीं है। आप भी इस रोमांच को महसूस कीजिए।
दोस्तों, अभी कुछ साल पहले तक भी इसी तरह शेरों की जो वास्तविक शेर होते थे उनकी दहाड़ इस इलाके में सुनाई देती थी। कुछ समय पहले तक ये इलाका डाकुओं की शरण स्थली भी रहा था, पर अब यहाँ पूरी तरह से शांति है और माता के दर्शन करने वाले भक्त ही यहाँ आकर इस सन्नाटे को अपने भजनों से भंग कर पाते हैं। दोस्तों, सिंध नदी का मनोरम दृश्य यहाँ से देखने के लिए मिलता है। भौगोलिक रूप से ये मंदिर दतिया जिले की सीमाओं को छूता है, पर प्रकृति के मनोरम और शांत रूप के बीच शहर की आपाधापी से दूर यह हमें अपने भीतर झांकने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर लोग अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं। मन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ भजन गाकर, घंटा चढ़ाकर और नाच गाकर अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो भी आपको उतना ही उपयोगी लगेगा। इस सीरीज में ग्वालियर के आसपास और भी वीडियो हमने बनाए हैं, वो भी आपको उतने ही उपयोगी लगेंगे। आप संपर्क में बने रहिए। अभी आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।